नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अनाथ लड़की की कहानी जिसने अपने प्रेमी के इंतजार में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। मुन्नी जिस वक्त दिलदार नगर में आई उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा ना थी। वह बिल्कुल अकेली ना थी, माँ बाप दोनों ना मालूम मर गए या कहीं परदेश चले गए थे। मुन्नी सिर्फ इतना जानती थी कि कभी एक देवी उसे खिलाया करती थी और एक देवता उसे कंधे पर लेकर खेतों की सैर कराया करता था। जब कोई पूछता तेरे माँ बाप कहाँ गए तो वह बेचारी कोई जवाब देने के बजाय रोने लगती और यूं ही उन सवालों को टालने के लिए एक तरफ हाथ उठाकर कहती ऊपर, कभी आसमान की तरफ देखकर कहती वहाँ। इस ऊपर और वहाँ से उसका क्या मतलब था, यह किसी को मालूम ना होता। शायद मुन्नी को यह खुद भी मालूम ना था। बस एक दिन लोगों ने उसे एक पेड़ के नीचे खेलते देखा और इससे ज़्यादा उसकी बाबत किसी को कुछ पता न था। लड़की की सूरत बहुत प्यारी थी, जो उसे देखता मोह जाता। उसे खाने पीने की कुछ फिक्र न रहती, जो कोई बुलाकर कुछ दे देता वही खा लेती और फिर खेलने लगती। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लड़की मालूम होती थी। गरीब से गरीब घर में भी उसके खाने को 2 कोर और सोने के 1 टाट के टुकड़े की कमी ना थी। वह सब की थी, उसका कोई ना था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मुन्नी अब कुछ काम करने के काबिल हो गई। कोई कहता जरा जाकर तालाब से यह कपड़े तो धोला, मुन्नी बिना कुछ कहे सुने कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन रास्ते में कोई बुला कर कहता बेटी कुएं से 2 घड़े पानी तो खींच ला, तो वह कपड़े वहीं रख कर घड़े लेकर कुएं की तरफ चल देती। जरा खेत से आ जाकर थोड़ा साग तो ले आ, और मुन्नी वहीं घड़े रख कर साग लेने चली जाती। पानी के इंतजार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती। कुएं पर जाकर देखती है 2 घड़े रखे हुए हैं। वह मुन्नी को गालियां देते हुए कहती आज से इस कलमुही को कुछ खाने को ना दूंगी। कपड़े के इंतजार में बैठी हुई औरत उसकी राह देखते देखते थक जाती और वह गुस्से में तालाब की तरफ जाती तो कपड़े वहीं पड़े हुए मिलते। तब वह भी उसे गालियां देकर कहती आज से इसको कुछ खाने को ना दूंगी। इस तरह मुन्नी को कभी कभी कुछ खाने को ना मिलता और तब उसे बचपन याद आता जब वह कुछ काम ना करती थी और लोग उसे बुलाकर खाना खिला देते थे। वह सोचती किसका काम करूं और किसका ना करूं, जिसे जवाब दूंगी वही नाराज हो जाएगा। मेरा अपना कौन है, मैं तो सबकी हूँ। उस गरीब को यह मालूम ना था कि जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता। वह दिन कितने अच्छे थे जब उसे खाने पीने की और किसी की खुशी या नाखुशी की परवाह ना थी। दुर्भाग्य में भी बचपन का वह समय चैन का था। कुछ दिन और बीते, मुन्नी जवान हो गई। अब तक तो वह औरतों की थी, अब मर्दों की भी हो गई। वह सारे गाँव की प्रेमिका थी पर कोई उसका प्रेमी ना था। सब उससे कहते थे मैं तो तुम पर मरता हूँ, तुम्हारे वियोग में तारे गिनता हूँ, तुम मेरे दिलो जान की मुराद हो। उसका सच्चा प्रेमी कौन है इसकी उसे खबर ना होती थी। कोई उससे यह ना कहता था कि तुम मेरे दुख दर्द में शरीक हो जा। सब उससे अपने दिल का घर आबाद करना चाहते थे। सब उसकी निगाह पर एक मध्यम सी मुस्कान पर कुर्बान होना चाहते थे, पर कोई उसकी बाँह पकड़ने वाला, उसकी लाज रखने वाला ना था। वह सब की थी, उसकी मोहब्बत के दरवाजे सब पर खुले थे। अब गांव की रानी थी। जब वह अपने उन्नत वक्षों को उभार कर रूप गर्व से गर्दन उठाई नजाकत से लचकती हुई चलती तो मन चले नौजवान दिल थाम कर रह जाते, उसके पैरों तले आंखें बिछाते थे। कौन था जो उसके इशारे पर अपनी जान ना निसार कर देता। वह अनाथ लड़की जिसे कभी गुड़िया खेलने को ना मिली, अब वह दिलों से खेलती थी। किसी को मारती थी, किसी को जिलाती थी, किसी को ठुकराती थी, किसी को थपकियां देती थी, किसी से रूठती थी, किसी को मनाती थी। इस खेल में उसे कत्ल और खून सा मज़ा मिलता था। अब पासा पलट गया था। पहले वह सबकी थी, कोई उसका ना था, अब सब उसके थे। वह किसी की ना थी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी वह कहीं ना मिलती थी। किसी में वह हिम्मत ना थी जो उससे कहता आज से तू मेरी है। उस पर दिल निछावर करने वाले बहुतेरे थे। सच्चा साथी एक भी ना था। असल में उन सरफिरों को वह बहुत ही नीच निगाह से देखती थी। कोई उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था। ऐसे प्रस्त हिम्मतों की वह खिलौने से ज़्यादा महत्व ना देना चाहती थी, जिनका मारना और जिलाना एक मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं। जिस वक्त कोई नौजवान मिठाइयों के थाल
और फूलों के हार लिए उसके सामने खड़ा हो जाता तो उसका जी चाहता मुंह नोच लूँ। उसे वह चीज़ें कालकुट हलाहल जैसी लगती। उनकी जगह वह रूखी रोटियाँ चाहती थी। सच्चे प्रेम में वह डूबी हुई गहनों और अशर्फियों के ढेर उसे बिच्छू के डंक जैसे लगते। उनके बदले वह सच्चे दिल के भीतर से निकली हुई बातें चाहती थी जिनमें प्रेम की गंध और सच्चाई का गीत हो। उसे रहने के महल मिलते थे, पहनने को रेशम, खाने को एक एक व्यंजन, पर उसे इन चीज़ों की आकांक्षा न थी। उसे आकांक्षा थी फूस के झोपड़े, मोटे झोटे सूखे खाने। उसे प्राणघातक सिद्धियों से प्राण पोषक निषेध कहीं ज़्यादा प्रिय थे। खुली हवाओं के मुकाबले में बंद पिंजरा कहीं ज़्यादा चाहता। एक दिन एक परदेसी गांव में आ निकला। बहुत ही कमज़ोर दीनहीन आदमी था। एक पेड़ के नीचे सत्तू खाकर लेटा। एकाएक मुन्नी उधर से जा निकली। मुसाफिर को देखकर बोली, कहाँ जाओगे? मुसाफिर ने बेरुखी से जवाब दिया, जहन्नुम। मुन्नी ने मुस्करा कर कहा, क्यों, क्या दुनिया में जगह नहीं? औरों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं। दिल पर कोई चोट लगी है? मुसाफिर ने जहरीली हंसी हंस कर कहा, बदनसीबी की तकदीर में और क्या है, रोना धोना और डूब मरना। यही उनकी ज़िंदगी का खुलासा है। पहली दो मंजिल तो तय कर चुका, अब तीसरी मंजिल और बाकी है। कोई दिन वह पूरी हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द। यह एक चोट खाए हुए दिल के शब्द थे। जरूर उसके पहलू में दिल है, वरना यह दर्द कहाँ से आता? मुन्नी बहुत दिनों से दिल की तलाश कर रही थी। बोली, कहीं और वफा की तलाश क्यों नहीं करते? मुसाफिर ने निराशा के भाव में उत्तर दिया, तेरी तकदीर में नहीं, वरना मेरा क्या बना बनाया घोंसला उजड़ जाता। दौलत मेरे पास नहीं, रूप रंग मेरे पास नहीं, फिर वफा की देवी मुझ पर क्यों मेहरबान होने लगी? पहले समझता था वफा दिल के बदले मिलती है, अब मालूम हुआ और चीज़ों की तरह वह भी सोने चांदी से खरीदी जा सकती है। मुन्नी को मालूम हुआ मेरी नज़रों ने धोखा खाया था। मुसाफिर बहुत काला नहीं, सिर्फ सांवला। उसका नाक नक्शा भी उसे आकर्षक जान पड़ा। बोली, नहीं, यह बात नहीं, तुम्हारा पहला ख्याल ठीक था। यह कहकर मुन्नी चली गई। उसके हृदय के भाव उसके संयम से बाहर हो रहे थे। मुसाफिर किसी ख्याल में डूब गया। वह इस सुंदरी की बातों पर गौर कर रहा था। क्या सचमुच यहाँ वफा मिलेगी? क्या यहाँ भी तकदीर धोखा ना देगी? मुसाफिर ने रात उसी गांव में काटी। वह दूसरे दिन भी ना गया। तीसरे दिन उसने एक फूस का झोपड़ा खड़ा किया। मुन्नी ने पूछा, यह झोपड़ा किसके लिए बनाते हो? मुसाफिर ने कहा, जिससे वफा की उम्मीद है। चले तो ना जाओगे? झोपड़ा तो रहेगा, खाली घर में भूत रहते हैं, अपने प्यारे का भूत ही प्यारा होता है। दूसरे दिन मुन्नी उस झोपड़े में रहने लगी। लोगों को देखकर ताजुब होता था, मुन्नी उस झोपड़े में नहीं रह सकती, वह उस भोले मुसाफिर को जरूर दगा देगी। यह आम ख्याल था, लेकिन मुन्नी फूली न समाती थी। वह ना कभी इतनी सुंदर दिखाई पड़ी थी, ना इतनी खुश। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया था जिसके पहलू में दिल था। लेकिन मुसाफिर को दूसरे दिन यह चिंता हुई, कहीं यहाँ भी वही अभागा दिन न देखना पड़े। रूप में वफा कहाँ? उसे याद आया पहले भी इसी तरह की बातें हुई थी, ऐसे ही कस्में खाई गई थी, एक दूसरे से वादे किए गए थे, मगर उन कच्चे धागों को टूटते कितनी देर लगी। वह धागे क्या फिर न टूट जाएंगे? उसके क्षणिक आनंद का समय बहुत जल्द बीत गया और फिर वही निराशा उसके दिल पर छा गई। इस मरहम से भी उसके जिगर का जख्म न भरा। तीसरे रोज वह सारे दिन उदास और चिंतित बैठा रहा और चौथे रोज लापता हो गया। उसकी यादगार सिर्फ उसकी एक फूस की झोपड़ी रह गई थी। मुन्नी दिन भर उसकी राह देखती रही। उसे उम्मीद थी कि वह जरूर आएगा, लेकिन महीनों गुजर गए और मुसाफिर न लौटा। कोई खत भी ना आया, लेकिन मुन्नी को उम्मीद थी वह जरूर आएगा। साल बीत गए, पेड़ों में नई नई कोपले निकली, फूल खिले, फल लगे, काली घटाएं आई, बिजली चमकी, यहाँ तक कि जाड़ा भी बीत गया और मुसाफिर न लौटा। मगर मुन्नी को अब भी उसके आने की उम्मीद थी। वह जरा भी चिंतित न थी, भयभीत न थी। वह दिन भर मजदूरी करती और शाम को झोपड़े में पड़ी रहती। लेकिन वह झोपड़ा अब एक सुरक्षित किला था, जहाँ सिर्फ फिरों की निगाहों के पांव भी लंगड़े हो जाते थे। एक दिन वह सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए चली आती थी। एक रसिया ने छेड़खानी की, मुन्नी क्यों अपने सुकुमार शरीर पर यह अन्याय करती हो? तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पर इस लकड़ी के बराबर सोना निछावर कर सकता हूँ। मुन्नी ने बड़ी घृणा के साथ कहा, तुम्हारा सोना तुम्हें मुबारक हो, यहाँ अपनी मेहनत पर भरोसा है, क्यों इतना इतराती हो? अब वह लौट कर ना आएगा? मुन्नी ने अपने झोपड़े की तरफ इशारा करके कहा,
वह गया कहाँ जो लौट कर आएगा? मेरा होकर वह फिर कहाँ जा सकता है? वह तो मेरे दिल में बैठा हुआ है। इसी तरह एक दिन एक और प्रेमी जन ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा महल हाजिर है, इस टूटे फूटे झोपड़े में क्यों पड़ी हो? मुनि ने अभिमान से कहा, इस झोपड़े पर 100,000 महल निछावर हैं। यहाँ मैंने वह चीज पाई है जो और कहीं ना मिली और ना मिल सकती है। यह झोपड़ा नहीं है, यह मेरे प्यारे का दिल है। इस झोपड़े में मुनि ने 70 साल काटे। मरने के दिन तक उसे मुसाफिर के लौटने की उम्मीद थी। उसकी आखिरी निगाहें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसके खरीदारों में कुछ तो मर गए, कुछ जिंदा है, मगर जिस दिन से वह एक की हो गई उसी दिन से उसके चेहरे पर दीप्ति दिखाई पड़ी, जिसकी तरफ ताकते ही वासना की आंखें अंधी हो जाती। खुद ही जब जाग जाती है तो दिल की कमजोरियां उसके पास आते ही डरती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप कमेंट करके यह ज़रूर बताना आपको यह कहानी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।